बेहतरीन। सायदा फलक रिजवान साहब, मैं आपके पास आता हूँ। सायदा फलक, पहले आप हिंदुस्तानी हैं या पहले आप मुसलमान हैं? देखिए दोस्तों, सुन लीजिए इनकी बात। मैं भारतीय मुसलमान हूं। इन्हें इसका आंसर भी नहीं पता है, पता नहीं क्या ये आंसर भी नहीं देना चाहते कि पहले भारतीय है या मेरा सवाल ये है पहले मुसलमान है। जो मनो, आप आजादी है इस देश के अंदर, आपका जो मनो वही बोलिएगा। आप पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं? जी देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, आई एम प्राउड ऑफ दैट। पहले भारतीय, पहले मुसलमान, क्या मतलब? उसके बाद मेरा धर्म आता है। ये सवाल से आप क्या किया? सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी के बाद आगे की कहानी शुरू होगी। सायदा जी, इनसे अमीश देवगन चाहे जिस किसी भाषा में पूछ लें, जिस किसी तरीके से पूछ लें, पहले आप मुसलमान है भारतीय, ये जवाब नहीं देने वाली। आपको पता है, एज ए व्यूअर आपको पता होगा इस बात का। बिल्कुल, आप दोनों हैं। आप पहले क्या है? जैसे मैं पहले भारतीय हूँ, आप पहले क्या है? देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हुआ, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ये कोई शब्द ही नहीं है। आप पहले मुसलमान है या पहले भारतीय है? मैं चौथी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपका जवाब समझ जाऊंगा। ये कैसा सवाल हुआ? मुझे फखर महसूस होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मुझे बहुत फखर महसूस होता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आप पहले क्या है, हिंदुस्तानी या पहले मुसलमान? ये क्या बात, पहले क्या है? देखिए, मैं मुसलमान पैदा हुई थी और मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। पहले मुसलमान, अब आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं क्या इन्होंने बोला। मैं पैदा हुई थी मुसलमान और हिंदुस्तान में, पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई थी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं वो पहले क्या है। क्या आपको लगता है ये जो मकबूल भट्ट को जिसने फांसी दी थी, उस जज की हत्या हुई नीलकंठ गंजू की, क्या वो जायज थी? और क्या उसी संदर्भ में अब जिसने हिजाब पर ऑर्डर दिया उसकी भी हत्या करने की धमकी दी जा रही थी, क्या वो जायज थी? क्या आपको लगता है ये गलत था? और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताज़ीरात हिंद होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कोई भी कट्टर मुस्लिम सीधे सीधे नहीं दे सकता। वो बात को घुमाता है और उल्टा दोष क्वेश्चन के ऊपर ही कर देता है। देखिए आप इनका आंसर, और उन जजेस को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया, और उनको सिक्योरिटी मिल भी जाएगी। लेकिन भारतीय मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कब सिक्योरिटी मिलेगी? अमीश देवगन जी, आपको पता होना चाहिए कि हजरा शिफा, वन ऑफ द पेटिशनर्स ऑफ द हिजाब बैन केस, उनकी डैडी की दुकान पर हमला किया गया, उसके भाई को बहुत ही बेरहमी से संघ परिवार के गुंडों ने मारा। हिबाज शेख, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, हिबाज शेख जिसको एबीवीपी के गुंडों ने रोका था एग्जाम लिखने से, उनके ऊपर केसेस नाजायज बुक हुए, उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। जजेस को क्या आपको ये सामान्य बात लगती है कि जजेस को धमकी मिल रही है? धमकी आ रही थी, उनको सिक्योरिटी कब मिलेगी? जो पेटिशनर्स को धमकी आ रही है, जो पेटिशनर्स के भाई पर अटैक हुआ है, तो आप लोगों ने सुना आंसर क्या मिला आपको? अब रिजवान अहमद जो है वो क्या बोलते हैं, उनका बात सुनिए। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा लाइन बोल रहे हैं। यहाँ तो सब अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जज की सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं है। उनको तो वाइफ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल भी जाएगी, धमकी आ गई तो क्या बड़ी बात है? लोकतंत्र तो थोड़ी परेशान होगा, संविधान की किताब लेके चल रहे हैं कई लोग, कई महानुभाव। मैडम, अब अपनी टर्न पे बोला आपने, अब आपने अपनी टर्न पे बोला, आपने मुसलमान को पहले रखा, भारतीयों को बाद में रखा, देश ने भी सुना। रिजवान अहमद, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। अमीश भाई, देखिए दो टुक बात, एक दो टुक बात सुनिए अमीश भाई। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, ये एक लाइन पकड़ के चलिए आप पूरे जिंदगी। और जो रिफॉर्म हो गया वो इनके हिसाब से इस्लाम नहीं, ये दूसरी लाइन पकड़ लीजिए। बिल्कुल लाख रुपए की बात कर रहा हूं, लाख रुपए भिजवा दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। गुड बाय, गया।